आप जो तस्वीर देख रहे हैं, यानी मांसल, खुरदरा तथा कठोर मोटी त्वचा, प्लांटर वार्ट्स है, जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होता है। बहुत सारे लोग भूलवश प्लांटर वार्ट्स को कॉर्न्स या कैलसिस समझ बैठते हैं, जिसके कारण इनका उपचार भी गलत हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले इन तीनों में अंतर को समझना जरूरी है, तत्पश्चात ही इनका सही इलाज किया जा सकता है। प्लांटर वार्ट्स एक वायरस के कारण होता है, जबकि कॉर्न्स तथा कैलसिस वायरस के कारण नहीं, बल्कि दबाव और घर्षण के कारण होता है। वार्ट्स शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, जबकि कॉर्न्स पैरों की उंगलियों पर ही तथा कैलसिस तलवे या हथेली पर ही होता है। प्लांटर वार्ट्स तथा कॉर्न्स को दबाने पर दर्द महसूस होता है, जबकि कैलस में कोई दर्द महसूस नहीं होता है। और सबसे बड़ा अंतर प्लांटर वार्ट्स में ब्लैक पिन पॉइंट स्पॉट्स दिखता है, जो वास्तव में क्लॉटेड कैपिलरीज ही होती है, तथा यही ब्लैक पिन पॉइंट स्पॉट्स कॉर्न्स या कैलसिस में नहीं दिखता है। अंतर समझने के बाद इनके इलाज की ओर बढ़ते हैं। इन तीनों के उपचार के लिए कैराटोलाइटिक का उपयोग होता है। फर्क बस कैराटोलाइटिक के क्षमता का होता है। कैराटोलाइटिक एक मेडिकल भाषा है। इसे आम भाषा में पीलिंग एजेंट की तरह समझ सकते हैं। जैसे सब्जियों को छीलने के लिए हम एक पीलर का उपयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार त्वचा के बाहरी परत को हटाने के लिए सैलिसाइलिक एसिड का उपयोग किया जाता है। यह सैलिसाइलिक एसिड मार्केट में विभिन्न फॉर्मुलेशंस में, जैसे जेल, आइंटमेंट, लोशन, सॉल्यूशन, पैंट, पैड्स तथा विभिन्न सांद्रता में, जैसे 1%, 3%, 6%, 12%, 17%, 18%, 20%, 30% तथा 40% में उपलब्ध है। प्लांटर वार्ट्स के इलाज के लिए स्ट्रॉन्गर पीलिंग एजेंट, यानी 20-40% कंसंट्रेशन वाला सैलिसाइलिक एसिड की जरूरत होती है, जबकि कॉर्न्स तथा कैलसेस के इलाज के लिए मॉडरेट पीलिंग एजेंट, यानी 12-18% कंसेंट्रेशन वाला सैलिसाइलिक एसिड की जरूरत होती है। प्लांटर वार्ट्स के उपचार हेतु 20-40% सैलिसाइलिक एसिड की पट्टी को मस्सों में 7 से 10 दिन तक लगाकर रखना होता है। इससे मस्सा स्वतः निकल आता है। न निकलने पर यही प्रक्रिया 1 से 2 बार पुनः की जाती है। कॉर्न्स तथा कैलसिस के उपचार के लिए भी यही प्रक्रिया की जाती है। बस सैलिसाइलिक एसिड का कंसंट्रेशन 20-40% न होकर 12-18% तक ही होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।